तो दोस्तों अभी जो ये आवाज़ आ रही है डायरेक्ट जो फोन का जो माइक है उससे आ रही है, जो डायरेक्ट फोन में इनबिल्ट माइक है उससे ये आवाज़ आ रही है। और ये अब बोया माइक की आवाज़ है जो मैंने अपनी फोन से कनेक्ट करा दिया है, और ये बोया माइक है जिससे ये आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता दूं, पहले तो जो अभी ये आवाज़ है मैं डायरेक्ट फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पे आपको ख़राब सुनाई देगी, लेकिन आप पहले सुन लीजिए। हुआ क्या, मैंने भी वन प्लस नोट परचेज़ किया था ताकि मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बना सकूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि इसकी जो केबल है वो सी टाइप है, तो सी टाइप से बोया माइक डायरेक्ट तो कनेक्ट होगा नहीं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जैसे मेरे पास पहले नोट 5 प्रो था उसके अंदर भी जो इनबिल्ट कैमरा था उसके अंदर वो एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट नहीं करा रहा था, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि मेरे को इसके अंदर भी फेस करनी पड़ी। जब मैंने इसके अंदर कनेक्ट कराने की कोशिश की तो जो डायरेक्ट माइक है वो इसका कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि कैसे मैं इससे माइक कनेक्ट करा सकता हूँ और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद मुझे अलग अलग सोल्यूशन निकले। एक तो एक बंदे ने वीडियो बना रखी है, उसने भी एक जुगाड़ ढूंढ रखा है कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल करो और जब आपकी वो कॉल कनेक्ट हो जाए उसके बाद उसमें माइक अटैच कर लो और उसके बाद उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो और उसके बाद फिर आप माइक को यूज करो डायरेक्ट कैमरा में, तो भी आपका यूज हो जाएगा। लेकिन यार ऐसे कौन बार बार, जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं पहले एक बार व्हाट्सएप से कॉल कनेक्ट करूंगा उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, वो चीज़ तो सही नहीं है ना। और ऊपर से जो डायरेक्ट इसका माइक है वो भी काम नहीं कर रहा। लेकिन मैंने फ़ोन इसलिए लिया था कि इसकी जो वीडियो क्लियरिटी है वो बहुत बढ़िया और इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये कैमरा परचेज किया था, मतलब जो फ़ोन है कैमरे वाला, तो ये इसलिए परचेज किया था। उसके बाद फिर मैंने और जगह सर्च किया तो फिर मेरे को ओपन कैमरा जो ऐप है उसके अंदर भी काफ़ी इश्यूज मिले। लोगों ने बताया कि वो कभी कनेक्ट होती है कभी नहीं कनेक्ट होती है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मोबाइल तो मैंने परचेज कर ही लिया है तो एक बार कनेक्ट करा के देखते हैं, हो सकता है कि काम बन जाए। तो मैंने उसके लिए फिर बोया माइक को कनेक्ट कराने की कोशिश की ओपन कैमरा के थ्रू, और उन सब के लिए मैंने ये सी टाइप जो कनेक्टर है ये लिया था, KDM का एक कनेक्टर है, तो ये मैंने लिया था अपनी जो वीडियो है उसको बनाने के लिए, ताकि मैं जो बोया माइक है उसके अंदर सी टाइप से 3.5 mm जैक में कनेक्ट करके उसके बाद यूज कर सकूं। वैसे तो वन प्लस के जो ओरिजिनल कनेक्टर है वो भी आते हैं, वो मेरा 400 के समथिंग पड़ रहा था। और उसके अलावा मैंने सैमसंग का भी चेक किया था, सैमसंग का जो ओरिजिनल है वो मैं ऑफलाइन भी पूछने गया था और ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था, तो उसकी प्राइस 800 प्लस आ रही थी। तो अब मेरे को कोई सस्ता सा जुगाड़ ढूंढना था तो उसके लिए मैंने ये कनेक्टर लिया, और फिर उसके बाद मैंने ओपन कैमरा को यूज़ किया, तो ओपन कैमरा जो ऐप है वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन वो कैसे काम कर रही थी वो मैं आपको अभी इस चीज़ के अंदर बताने वाला हूँ। एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी वॉइस कभी आएगी और कभी नहीं आएगी, तो वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको उसके ऊपर काम करना जिससे कि आपकी वॉइस आएगी और कैसे नहीं आएगी। तो अभी सबसे पहले मैं इससे अपना सी टाइप से 3.5 mm को कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो माइक है उसको मैं यहाँ लगाता हूँ। तो ये मेरा देखो वन प्लस जो है वो अटैच है, और ये मेरा दूसरा वीवो का फोन है, ये मेरा जो सी टाइप केबल है ये वो है। तो अभी मेरे को सी टाइप केबल इससे कनेक्ट करानी है, तो मैं आपको अभी एक बार केबल कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होती है। अभी ये जो केबल है वो कनेक्ट हो गई है सी टाइप से, तो आपको अभी आवाज़ जो है उसकी क्लियरिटी अलग से पता लग रही होगी कि क्या जो आवाज़ की जो क्लियरिटी है वो कैसी है और कितनी क्लियर इसकी आवाज़ आ रही है। और अभी आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसा क्या है कि एकदम ऐसा चेंज हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखो इस कनेक्टर के ऊपर इस तरफ कुछ भी नहीं है, ये सिंपल जो प्लेन है, और दूसरी टाइप साइड जो है KDM लिखा हुआ है। अभी मैंने उल्टी साइड से कनेक्ट करा दिया है तो आप अभी देख रहे होंगे। जो इसके अंदर आवाज है वो नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या है कि ये जो है सिर्फ उल्टी कनेक्ट कराने से आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। तो अगर आप कोई भी सी टाइप केबल लेते हो तो ये मत समझिए कि आप उसको कैसे भी कनेक्ट कराओगे तो कनेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम भी दे जाती है, जैसे ये वाली अभी प्रॉब्लम दे रही थी। उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये कनेक्ट नहीं होती है कई बार, तो अभी आपको वो चीज़ दिखाता हूँ मैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको सही से इसको कनेक्ट कराना है। देखना अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ, ये हटा दी मैंने। उसके बाद अभी मैं ये दोबारा से
लगा दिया, दोबारा से आवाज़ आ रही है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसको हटा देता हूँ, दोबारा से मैंने हटा दिया और इसको अब दोबारा ने कनेक्ट करा दिया। आप जितनी बार चाहो इसको कनेक्ट कराओ हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनेगी और आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। और वो जो ओपन कैमरा ऐप है वो बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हो, आपकी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। और ये टाइप जो केबल है वो मैंने सिर्फ 50 रुपये की खरीदी है। आप चाहो तो ऑनलाइन ओरिजिनल वन प्लस की भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, उसमें और अच्छी क्लियरिटी आएगी आवाज़ के अंदर। हालांकि इसमें भी आवाज़ में कोई कमी नहीं है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, वो आप सुन ही पा रहे हो कि आवाज़ कितनी क्लियर है। और अगर फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ऑफलाइन ये नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑफलाइन ही परचेज करो ताकि आप वहाँ पर चेक कर सकें अगर ये आपकी काम नहीं करेगी। हो सकता है KDM कंपनी काम कर रही हो, किसी और कंपनी की आप यूज़ करो वो काम ना करे, तो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। आप ऑफलाइन इसको परचेज कीजिए और उसी शॉप पर जाके वहाँ पर चेक कीजिए कि एक अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो दोनों चीज़ें आपको वहीं पर पता लग जाएंगी। तो अभी आपको सोल्यूशन में बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको वन प्लस का कोई भी मोबाइल लेना है, 5, 6, 7, 8 बल्कि 9 आने वाला है, नोड है, N10 है, कोई भी फ़ोन आप लीजिए। आपको सिर्फ वो यूज़ करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो सी टाइप केबल है वो दो साइड से होती है, आप उसको दोनों साइड से चेक करा के देखिए। और वन ओपन कैमरा जो ऐप है उसके अंदर आप उसको यूज़ कीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपकी यूज़ हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आप GCam अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और GCam डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से आपका पूरा का पूरा फोन अच्छे से काम करेगा और इतनी अच्छी क्लियरिटी की वीडियो आप अपने फोन से बना पाओगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।